बंदों की मोहब्बत की क्या तफसीर है? अल्लामा सैयद महमूद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रुहमानी में फरमाया कि बंदों का मोहब्बत करना अल्लाह ताला से इसकी क्या तफसीर है? फरमाते हैं कि मोहब्बत सादका मुराद है, सच्ची मोहब्बत। और उसकी क्या तफसीर है? कि अल्लाह ताला के अहकाम को बजा लाते हैं, बजा लाने की कोशिश करते हैं और अल्लाह की नाफरमानियों से बचने की फिक्र करते हैं, कोशिश करते हैं। इम्तिसाल अवामिर इज्तिनाब नवाही, दो चीजों से वो कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला जिन आमाल से खुश होते हैं उसकी फिक्र करते हैं, हिम्मत करते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं। ज्यादा से ज्यादा फर्ज अदायगी में बेहोश हो जाओगे, हो जाओ बेहोश, जान भी निकल जाए तो शहीद हो जाओगे। मसलन एक शख्स 4 करोड़ उसको आमदनी हुई साल में नफा, उस पर ज़कात कितना हुआ भाई? 1 करोड़ पर कितना ज़कात है बताओ? मसला 2.5 लाख, तो 4 करोड़ पर कितना हुआ भाई? 10 लाख। तो नफ्स ने कहा 10 लाख निकालेगा तू, तेरे बाप दादा ने भी इतना नहीं निकाला कभी, 10 लाख निकालेगा बेहोश हो जाएगा। और उसी वक्त में शायद डॉक्टरों को बुलाना पड़े या जिना हॉस्पिटल के दिल के वार्ड में तुमको जाना पड़ेगा। लेकिन जब अल्लाह ताला की मोहब्बत आ जाएगी है, तब वो जवाब दे देगा कि अगर 10 लाख देने से मेरा हार्ट भी फेल हो गया है, मौत भी आ गई, तो हम तो मरने ही के लिए पैदा हुए। तस्ने दारन बखूने खेश तनवारू भी छिठा रहे हैं कि अरे लोगों हमें मौत से क्यों डराते हो, तो अपने खून के खुद प्यासे हैं। तू मकुन तहदी दमस कुश्तन की मन, मुझको कुश्तन मौत कत्ल से मत डराओ, इससे क्या डराते हो, हाथ फेल हो जाएगा।